एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगोलॉजी। मेरे आज के वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नायका हॉल। नायका में कुछ ही दिन पहले चल रहा था हॉट पिंक सेल, और उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है परचेज किया है, और जो मैंने चीज़ें लिया है उसका मैं आज थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू और प्रोडक्ट्स जो लिए हैं वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हॉल वीडियो का। तो सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट्स लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है L'Oreal का 6 Oils in 1 शैम्पू। ओके, सो दिस इज बेस्ट फॉर ड्राई टू नॉर्मल हेयर। अगर आपका हेयर मेरी तरह ड्राई फ्रीजी है सो आप इसमें ये शैम्पू यूज़ कर सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि इसमें 6 तरीके की ऑयल है जो हमारे हेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से नर्श। सो या शैम्पू के बाद मैंने लिया है L'Oreal का ये रैपिड रिवाइवर कंडीशनर। ये बहुत ही अच्छा है, इसका मैंने बहुत ही अच्छा रिव्यू सुना था, इसके लिए मैंने इसको परचेज कर लिया है। इसका प्राइस है 240, बट इसको हॉट पिंक सेल में मुझे ये 180 रुपीज़ में मिल गया था, जो काफ़ी हद तक चीप है। एंड मुझे इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस कंडीशनर का, क्योंकि इसको L'Oreal ने न्यू लॉन्च किया है और काफ़ी ज़्यादा मैंने न्यू यूट्यूबर्स को इसको इस्तेमाल करते हुए देखा है। सो मैंने इसको एक ही बार इस्तेमाल किया है, एंड गाइस इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। माय हेयर फील सो सॉफ्ट एंड स्मूथ आफ्टर यूजिंग दिस। बट मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया है, इसके लिए मैं इसका डिटेल रिव्यू अभी नहीं कर सकती हूँ। इसको मैं डेफिनेटली और 3-4 बार यूज़ करूँगी, उसके बाद इसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो है हिमालया का ये नीम फेस वॉश। इसके बारे में रिव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर एक्नी प्रोन स्किन। और ये ज़्यादा फोमी फेस वॉश भी नहीं है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। एंड इसका मैं क्या बताऊँ, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि मेरी ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन है, एक्ने भी कभी कभी हो जाती है, तो ये फेस वॉश मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका प्राइस है 190 रुपीज़, बट मुझको ये सेल में 160 रुपीज़ में मिल गया था। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये विवेल का बॉडी वॉश। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हर समय हर चीज़ हमको मिलना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं इसको स्टॉक करने के लिए मैं एक बॉडी वॉश लेना चाहती थी। ये बहुत ही सस्ते में मुझको मिल गया था, ओनली 99 रुपीज़ में इसका आपको 400 ml मिल रहा था, जस्ट इमेजिन। सो विवेल का ये कूल मिंट है, ये काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश है जो मुझे बहुत ही पसंद है। आप भी इसको ज़रूर ले सकते हो, इस हाईली रिकमेंडेड। ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में अच्छा क्वालिटी मिल रहा है। सो या नेक्स्ट मैंने लिया है ये हिमालय का स्क्रब। ये बहुत ही छोटा वाला पैक है इसका, आप देख सकते हो। तो ये इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, ये बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है। मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ सिंस माई टीनेजर, सो इट सूट्स माई स्किन बेटर। सो नेक्स्ट मैंने जो चीज़ लिया है वो है ये लोटस हर्बल का कलर की काजल है। इसका मैंने बहुत रिव्यूज सुना है, इसको मैंने परचेस किया है, पर मैंने इसको अच्छी तरीके से अभी तक यूज़ एक बार भी नहीं किया है। डेफिनेटली यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है लोटस हर्बल्स का ये सिंदूर। इस सिंदूर को मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसके पहले जो मैं जोवी का यूज़ करती थी वो मुझे काफ़ी हद तक पसंद थी। सो ये छोटू सा बॉटल है। ओके, सो इसका कलर मैं आपको दिखा, स्मेल अच्छा नहीं है, इसका कलर मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ये एकदम प्रॉपर रेड कलर का है, एकदम प्रॉपर रेड कलर का सिंदूर है। क्योंकि मुझे खास मैरून अच्छा नहीं लगता सिंदूर में, सो मैंने ये रेड कलर का लिया है, ये काफ़ी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने लिया है एक मेकअप का सामान, वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक के बिना एक हॉल वीडियो अधूरी है वो मुझे लगता है। सो मैंने लिया है नायका का ये मिनी क्रीम मैट लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छा है, इसका मैंने बहुत ही रिव्यू सुना है। मैंने आज तक कभी भी नायका ब्रांड का कोई लिपस्टिक ट्राई नहीं किया है, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम। इसका पैक
पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है एंड इसका शेड है 37M बीची पीच. ओके सो इट्स अ नाइस पीची कलर एंड इट्स गो विथ ऑल स्किन टाइप. हम हर तरह के की स्किन के लिए ले सकते हैं. वाओ आप देख सकते हो एक ही बार में इसका कितना अच्छा कलर आया है. बहुत ही अच्छा पीच कलर है ये. सो डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करूँगी. मैं इसको एक बार ट्राई किया है तो ये आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो ये नहीं अटता और 3 से 4 घंटा आराम से चल जाता है. और इसका बहुत ही क्रीमी मैट टेक्सचर है इसके लिए आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करता. सो यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा हॉल वीडियो. आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरा हॉल वीडियो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड या गाइस सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.